अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं? एक और व्लॉग के साथ जो कि कभी अपलोड नहीं होगा, मैं अपनी मेमोरीज के लिए ये चीज़ें सारी रख रहा हूँ, लेकिन आज हम लोग निकले हुए हैं फिरने के लिए एक और बार, और इस बार हम जा रहे हैं जी साहब भाई के गांव को। साहब भाई, ये गांव किधर है? नगरी बाला गांव। नगरी बाला को जा रहे हैं ये साहब भाई के लिए, करीब 6 किलोमीटर। अभी ये वो सीन है, अभी निकलेंगे क्योंकि, और हम जा इस वजह से रहे हैं कि हमारे जो ये वाले भाई हैं ना, ये अब्दुल्ला भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? बस इतना ही आता है मुझे यार, इतना ही आता है। इन भाई का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट शूट करने के लिए जा रहे हैं। असल प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट तो नोट बाद भी शूट कर सकते थे, लेकिन अब समझ रहे हैं आप, बन जाते हैं, फिर बन जाते हैं, चलते हैं, अब क्या करें जी। तो अब हम जा रहे हैं और ये डोमिनिक ट्रेटो बैठा हुआ है आगे हमारे पास एक अदद, तो ये उड़ाते उड़ाते लेके जा रहे हैं अब फैमिली। तो इसको गौर से देख ले, बीच बीच का बत बत्ती ऑन कर, वीडियो बन रही है। हाँ ठीक है, पैसा लगा हुआ है लेकिन सही जगह लगा यार, कोई बात नहीं, दे रहे मेरे वाले कैमरों में तो कोई नजर नहीं आता, इधर आके देख, पैक कर पैक। क्या बैठना, पता नहीं कौन सी जगह यार, तगरी रेस्टोरेंट है कोई, नई ओपनिंग हुई। हाँ नई ओपनिंग हुई यार, काफ़ी पहले जब मैं आया था ये बना नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने काफ़ी खर्चा किया और काफ़ी अच्छा जा भी, ज़रा स्लैब से बाहर आ जाएं थोड़ा, तो फिर उसके बाद कुछ खाएं पिएं। एक होती है गीली चुम्मी, ओके, और एक होती है गीली स्लैब। गीली स्लैब ये काफ़ी लोगों को पता लग गया, गीली स्लैब, गीली स्लैब हम लोगों को पता लग गया, जब लगती है ना और हम बताते हैं गीली स्लैब। हाँ मैं ये गीली स्लैब चर्चा फ़ोन के साथ जो लगता है ना बंदा जाके गीली स्लैब इसको बोलते हैं, चिपक जाता है इस तरह, किस तरह उठता है, चिपक किस तरह चीज़, हाँ वो चीज़ साथ थोड़ी सी उठ जाती है। हाँ सही सही सही, तो बस यार अब ये हो जाए तो फिर करते हैं कुछ, निकलते हैं गाँव के लिए रात को, फिर अपना शुगर मुगल मारेंगे, हमारा पर्सनल होता है, दिखाने लायक हुआ तो ज़रूर आपको दिखाएंगे। इफ यू नो यू नो, इफ यू नो यू नो, जो हमारे लॉन्ग टर्म सब्सक्राइबर हैं, मेरा मुराद, मैं, अब्दुल्ला भाई और मेरा एक और कज़न उसके अलावा तो किसी ने देखा नहीं आज तक, माजा भाई भी है, साहब भाई हमारे ने सब्सक्राइब कर लिया है, साहब भाई को आपको रोशनी में दिखा दूँ, साहब भाई ऐसे लग रहे आई थिंक फ्राइड क्रिस्पी बर्गर्स और अच्छे हैं, एंड ये है चिकन बर्गर दैट, ये है सैफ। ना ना निकल रहा है जी, सैफी की बहुत डिमांड है, बस इतना दिखा तुम मुस्कुराते हो यार तुम इतना जी जी, मुस्कुराने से क्या होगा, क्या क्या होता है, खुश मिजाज जब तक आया हूँ, डगरे ना खसमों को डगरे डगरे, दोनों बर्गर अच्छे थे, आधी आधी हमने एक्सचेंज कर ली, तो बाकी मस्त था। बाकी सैफ भाई से हम रिव्यू ले लेते हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, अच्छा लगा, चिप शिप्स बहुत अच्छे थे। ये सैफ भाई आप बताएं, मैं बहुत अच्छी थी, अच्छा था क्या वो क्या तू खाता था वो जो बर्गर जी,
आप बताएं पहले वीडियो नहीं है लेकिन अच्छा था यार खाना अच्छी है पता नहीं इनमें सब लगा हुआ था अबे चल पे ये जी एंटर हो गया हम साहब भाई घर माशाल्लाह व्यू ये हमारे साहब भाई अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं सर कैसे हैं जी आप हमारे साथ गाड़ी में नहीं आए अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं जी ठीक है जी आ जाइए वो करे ना वो उस तरह जिन्हें मेरा दिल लूटे नहीं आ जाइए जी वेलकम ये माशाल्लाह घर है यार साहब भाई का माशाल्लाह माशाल्लाह ओह आप आए थे बैग मुझे हीटर का भी ओह थैंक्स सर थैंक्स जी आगे भी बैग देंगे जो कि मुझे कक्का नहीं पता इंफॉर्मेशन देंगे अभी इनकी उंगली को भी साथ ले गया हां जी क्लस्टर ऑफ लाइट्स जहाँ पे आपको बिल्कुल डिम डिम लाइट्स नजर आ रही वो पीछे हाँ वो पीछे वो हवेलियाँ का एरिया आ जाता है फिर ये जगह जो है ये मकोल साइड आ जाती है मकोल साइड को हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे ये डिटेल्स के लिए छोड़ेंगे वो क्या कहते हैं उनकी मर्जी है ऊपर डन्ना डन्ना बागन बहुत ब्यूटी सबसे मतलब हमने इधर जाना है नहीं नहीं अच्छा। सबसे प्यारी जगह जो है ये आप करंटली अनडिस्कवर्ड गया कोई नहीं है लेकिन बहुत प्यारी जगह है शाह महमूद कुरैशी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने काफी सारा फ्लैट्स वगैरह बनाए अच्छा, बहुत अच्छा। प्यारी जगह है ठीक है फिर उसके बाद ये आ जाता है ये हमारा गांव है इसका नाम है नगरी बाला फिर ये आ जाती है ततियाल साइड यहाँ पे हमजा लोग हमारे एक और दोस्त हैं जो अभी नहीं आए हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली ये सीन थे अब हम सो रहे हैं सुबह मुलाकात करते हैं अब आपसे सब उठ के जाने वाले हुए गुड नाइट अस्सलाम वालेकुम यार कैसे हो अभी सुबह सुबह उठे हैं सुबह तो नहीं 11 बजने वाले हैं अभी बस तैयार शहर हुए अभी बस निकलना है नाश्ता वास्ते की रूटीन में नाश्ता किया थके हुए थे बहुत ज़्यादा तो बस अभी सारे बॉयज तैयार हैं बस हम निकलने वाले थे मैंने कहा आपको अपडेट दे दें तो ये सारे बॉयज वो देखें इनको बहुत मसला है पीर साहब को साथ बाबा हुए थे भी खड़े हैं हाँ जी साहब भाई अपडेट बताएं किधर जाने आपने आप आपको ऊपर लेके जाएंगे ऊपर आसमानों में वादियों में लेके जाएंगे नहीं इतना ऊपर नहीं जाना आप बताएं सही वाला पॉइंट बताएं किधर जाना है आप जा रहे हैं उधर वो जगह सामने आपको वो टाके पे ठीक है ऑलमोस्ट 6-7 किलोमीटर अवे बहुत अच्छी ट्रैकिंग है बच्चों को पता भी चलेगा आज इंशाल्लाह मैं जाऊंगा कितना मंदी मेरे घर से मिल जाएगी ना चलते कैसे हैं तो बच्चों का दिल खुश होगा पुरबाश हो जाएंगे ये बस तो चलो अपना पुरबाश होना तो नहीं चलेगा चलो पहला जो क्या कहते हैं स्टार्ट हमने ले लिया अब यहाँ से बस आगे आगे और ऊपर ही जाना है मसला ये है हम इतना ब्लॉगिंग कर नहीं सकते क्योंकि जो हमारे अब्दुल्ला भाई हैं उन्होंने इसी कैमरे से वो भी करना है अपना वीडियो भी शूट करनी है तो अब जो है आगे कोई अच्छी चीज़ होती है तो ज़रूर आपको दिखाएंगे बट अदर देन दैट आई हैव टू गो And we'll meet you along the way. The office. क्या करें चलते हैं अबे पानी पड़ो फिर बट गोज अराउंड कम्स फसना नो तो त्रै ब्रेक इन दिया कर फिर उठ के तो जुड़ना हम पूरी जा रहे थे हालात बड़े खराब हैं जी मेरे 5 मिनट दमा किया पीछे हमारा ट्रैकर खड़ा हुआ है इसने अपने काम लगाए हुए उधर शाहरुख खान वाले पीछे से लीड करूंगा तुम लोगों को बैक उसको देखा लीडिंग फ्रॉम द बैक वो उड़ने वाली इसके बाद अब वी हैव लेफ्ट द सिविलाइजेशन बिहाइंड
एंड ट्रेवल्ड ऑन द लेस ट्रेवल्ड पाथ. बड़ा औखा मैंने याद किया जी. अच्छा जी, लाइन अच्छी थी ये वाली, लेकिन हम मैं थक गया हूँ. साहब भाई क्या जी, द वर्ड्स आर, क्या बात है, क्या बात है जी. आप ये बताए थे, फिर से बता दें. ये क्रिकेट के लिए जगह थी पहले, अब यहाँ पे कोई नहीं आता. मैंने मतलब इमरान खान साहब की वजह से उन्होंने आए जंगल को बंद कर दिया उन्होंने, और आपको मिला भी कोई नहीं है. पहले लोग बहुत ज़्यादा लोग आपको जंगल में मिल जाते थे. नाओ क्या मतलब इमरान खान नहीं आने देता, मतलब इधर लाओ नहीं आना. मीन नहीं है, आते पहले होती थी यहाँ पे लोग चरागाहें वगैरह, मतलब लोग आते थे जानवर वगैरह. नहीं अब नहीं, बंद कर दिए. रखे हुए नहीं है, रखे हुए जिनके पास हैं तो वो बस काश वगैरह कर लेते हैं. ठीक है, ये अगर काश ही जाए क्लियर होती आपको मैं दिखा सकती मरी शरीर सारा क्लियर. अच्छा मेरा यार हूँ मैं. बहुत मज़ा आएगा आपको. कितना आगे रास्ता रहता है? 20 मिनट. नहीं आपने जिस प्रोग्रेस से ऊपर आए हो ये क्या मुश्किल नहीं है, इसी तरह से थोड़ा बहुत प्लान है. यहाँ पे पहुँचे अभी आधे 2/3 उसने बोला सैफ ने, तो मतलब काफ़ी टाइम रास्ता रहता है अभी भी, लेकिन यहाँ तक पहुँच आए हैं. हालात बराबर ही हैं, वो बात और है सैफ भाई कह रहे हैं जिस प्रोग्रेस से आप ऊपर आए हैं तो आगे रास्ता प्लेन है. हम जो रास्ता है वो यूं था, यू भी नहीं यू था, लेकिन आ गए अब बस बाकी रास्ता तय करना है, फिर आगे देखते हैं क्या करना है. सैफी भाई बारले भी बोलते हैं उनको, बारले ही बोलते हैं, बारले 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 बारले. हम उसकी बात कर रहे हैं जी. लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बूटे अगर हमारे जंगल में पूरे जंगल में ऐसे बर्फ अगर सबसे मतलब लेट अगर पिघलती हो ये जगह है नीचे, इसको बोलते हैं ठंडा नला. नाम ही क्या है, ठंडा ठंडा नला, नला कहते हैं जगह को. वाओ इन्फॉर्मेटिव. साहब भाई जो आगे जा चुके हैं उन्होंने एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताई, वो ये कि यहाँ पे नीचे क्लियरिंग है थोड़ी सी, और जिस वक्त के लकड़ी ब्लैक होया करती थी यहाँ पे इन लोगों के जंगलों से, तो इस तरह होता था कि वो चैनल्स बने होते थे. अब यहाँ से आपको नज़र सही नहीं आएंगे, लेकिन वो लकड़ी उसके अंदर फेंकते थे और करते करते वो लकड़ी रुड़ते रुड़ते रोड तक पहुँच जाती थी. तो काफ़ी अच्छी मुझे इन्फॉर्मेशन लगी, मैंने कहा आपके साथ शेयर की जाए. नाउ बैक टू द ट्रैक.
ये जी हसन भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे रेस्ट मोड में। हाँ बताएं जी। ये आवाज के ये घर था पहले इस गांव की एक शेरिटल समझ में क्या कहाँ पे ये जो आपको जगह नजर आ रही है मैं अच्छा यहाँ पे होना चाहिए था मतलब। हाँ मतलब अच्छा तो ये दो बहन भाई थे, एक का नाम था सैदी और महबूब, ठीक है। ये रहते थे अकेले इस जंगल में, सारी दिन की इन्होंने अकेले यहाँ पे गुजारी। ये पानी हम जहाँ से ऊपर नहीं चढ़े थे रोड से ऊपर, वहाँ से लाते थे, खाने पीने का सीन भी वहाँ से होता था। ये इनकी जगह थी, यहाँ उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है अकेले तरह तरह यहाँ पे। और का आपने इन्फॉर्मेशन देनी हो? अच्छा उनका क्या हुआ फिर, उन फैन भाई का फोत हो गए? अच्छा ये उनकी रिमेनिंग्स हैं, मतलब बहुत क्योंकि जंगल में रहना उस टाइम पे बहुत मुश्किल था। जो फिर ट्रांसपोर्ट है सिस्टम है लेकिन उस टाइम बहुत मुश्किल, लेकिन बट स्टिल दे हैव सर्वाइव्ड एंड दैट इज नोन एज द परफेक्ट हर्मिट लाइफ यू कैन कॉल इट इन इंग्लिश। ये बॉयज सब ड्रोन उड़ाने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं। ये जा भैया भाई। कभी ड्रोन घूम गया था, घूम गया था हमजा भाई। कितना सारा हमजा भाई की आप रंग इर्तजा भाई फुल ढूंढते में आए हैं, वो सामने कहीं पर है। अस्सलाम वालेकुम जी। रिकवरी मिशन के बाद हमारे रंग वापस आने के बाद हमने कहा एक वीडियो बना लेते हैं। बस ड्रोन उड़ाया फिर रात को, पहले ड्रोन ने मसला किया हुआ था, पहले ड्रोन का पता नहीं क्या मसला हो गया, वो चल ही नहीं रहा था, इधर उधर खुद ही हो रहा था वो। फिर दुआएं रात को पढ़ छाड़ के सुबह उठे हम, तो उसके बाद चल गया। अभी यहाँ पे आए हैं, यहाँ से हमने ड्रोन उड़ाया, बड़ा मज़ा आ रहा था, शोर मेरा लगा हुआ था, करते करते हमारा ड्रोन आसमान में घूम गया। हमें हम भी नज़र नहीं आ रहे, ड्रोन को भी हम नज़र नहीं आ रहे थे इस आसमान में जी, इस आसमान में, इस नीले आसमान में हमारा ड्रोन घूम गया था। उसके बाद हमने रिकवरी मिशन के लिए भेजे हैं बंदे,
इंतजार भाई को आगे भेजा है, इंतजार भाई अपनी लवी टाउन के साथ आगे गए, एहसन भाई ने भी अपना काम सर अंजाम दिया अपना फर्ज, सैफी भाई भी बड़े परेशान हो गए थे, सैफी भाई कहते कि आसमान में से कैसे पकड़ के लाएंगे ड्रोन को, जमीन पे तो हम चले कुछ कर लेते लेकिन बहुत मुश्किल था आसमानों में जाना, फिर पीएफ बेस से रابطہ करने को शुरू हमने अपनी टेक्नोलॉजी देते और इतनी हमारी औकात नहीं थी, पहले हम उनके पास जाते वो कहते तुम आए कैसे, हां पहले तो ये बताओ कि परमिशन आए कैसे, तो हमारा एरिया है, हां तू आना चार खड़ो ना सारे आला ये इधर को तुम डांस करते हो तो मैं दिखा दें, वैसे आया मैं उसमें दिखा देता लेकिन चलो ये पास है डीपेज पास क्या बात है क्या इर्तजाब भाई का डांस इर्तजाब का मनोरंजन देते हुए हम लोगों को सैफी को चेक करें क्या था मैं ही रहा हमारे साहब की देखें जी साहब ये हमें लंबी टांगों की फोटो ले लंबी टांगों के साथ जो है वो अपना सीन बना रहे हैं ये देखें ये साहब ही हमारे जी ये आपको नीचे जगह देख सकते हैं जी काफी गहरी जगह है मतलब एक दफा यहाँ से जो स्लिप हो गया क्यों कोने में बैठे हुए हैं और वो हमारे पार्टनर आए थे उन्होंने अपना मॉल बनाया हुआ है उधर वो उस मॉल में एडजस्ट नहीं हो सके पता नहीं क्यों और फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ आपको भी कुछ दिखा देते हैं ये एक तरफ आ जाता है गहरा जंगल और फिर आ जाते हैं इधर हमारे अब्दुल्ला भाई फिर आ जाते हैं जी ये पॉइंट यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं ये जगह बेरन गली और कौन सी गलियाँ ऐसी कोई गली नहीं है जो जहाँ से नज़र ना आए फिर अगेन करतबाजी हमजा भाई की जानब से ये हमजा भाई हमारे सिंगिंग करने लग गए हैं देखें थकावट जब हो जाए हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाए तो आप सिंगिंग करें हमको बताओ हमको हमको ये बच्चे आ चुके हैं अपने सीन करके ठीक है जी बैक टू यू हमजा अच्छे कौन बंद है बाबा बाबा दम मारे हो मोटरसाइकिल ए बाबा हु है इधर इधर आओ सैफी तुम किधर हो बाबा हु है इधर बाबा है हु है इधर के पास अच्छे हुए जी ये बैठे हुए हैं बिल्कुल सांस नहीं लग रहा उठने बैठने का बस इधर ही बैठे रहेंगे बैठे हम लेटने वाले तो बाद ये योगा हम लेट गए तो बस कल उठेंगे बॉयज हमारे थक चुके ना वैसे उतना नहीं थके हो जितना मैं आके ये जाके मरसा आज ये तो मम्मी डैडी बने हमें के पता यार अभी सुन नहीं ऐसा क्या फिर ऐसा जुलम नहीं है तू तो मेरी बगी में घुस गया ये जुलम होसी आज में कम हो गया उतरो आज किसी ने मुड़ के भी जलूंगा ठीक है ना हाँ जी शिट जस्ट गॉट रियल हम अब मेन जगह पे आ गए जहाँ पे हमने जाना था अब बस हम रेस्ट मार रहे हैं अब्दुल्ला भाई ने जो शॉट्स बनानी थी आई होप कि वो सारी बन गई हों एक ड्रोन शॉट रह गई है वो नीचे जाके बनानी है तो वो वहीं पे करेंगे बाकी चीज़ें हो गई हैं अब्दुल्ला भाई डन आपका सारा काम हो गया पुरबाश हो गए आप हैदर हो गए बाबा हु हैदर के साथ सब हु हैदर हो चुके हैं ओके ओके अब उतराइए जी अब हम पैक कर रहे हैं अब हम चीजें चीजें पैक करके जरा बैग में रखते हैं आपसे अब नीचे जाके मुलाकात होगी खुद ही बगैर पैर कदम रखे चल रहे हैं बाबा हु हैदर ने अपना काम लगाया हुआ आगे ओए खोए राती पूछ लो थोड़ी थोड़ी करने ना किधर किधर ले थोड़ी थोड़ी स्लिप होंदा यार ये हो जाती लो थोड़ी ये जी हमने जहां सफर शुरू किया था वहां पे फाइनली वहां पे आ गए हैं इसको देखो के रोक ना सा किन्ने ने मां अबे ट्राउजर पहनने दे फिर आता हूं इनको पिक्चर चाहिए तो
और अब आप लोग पता है कहाँ से आए? हाँ वो कोई किस आए हम घर नजर नहीं आते, पूछ रहा सब दिला मुझसे वो घर कौन से है। तो आगे दिखाने सिखाने के लिए कुछ है नहीं है, ट्रिप मारोगे ख़त्म। अब आप लोगों को नेक्स्ट ट्रिप में मिलेंगे होपफुली इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर, खुदा हाफिज़।